हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। जैसा कि आज फ्राइडे और टाइम होने वाला है स्मैकडाउन के न्यू एपिसोड का। अब आने वाला स्मैकडाउन का एपिसोड हेल इन अ सेल पीपीवी से पहले आखिरी स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला है, जिसके लिए WWE ने पहले से ही दो बड़े सेगमेंट्स को अनाउंस किया हुआ है, जिसमें रोमन रेंस को लेकर कुछ बड़ा दिखने वाला है। अब वो क्या है और क्या क्या दिखने वाला है इस आने वाले एपिसोड में, सब पर नजर डालेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शुरुआत करते हैं स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बेले और उनकी अपोनेंट साशा बैंक से। तो लास्ट वीक के एपिसोड में हमें इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट दिखाई दिया था, जहां साशा बैंक्स ने तो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए थे, पर जब बारी बेले की आई तो उन्होंने बिना साइन करे वहां से चली गई थी। हालांकि इनके बीच उस एपिसोड में कुछ भी दिखाई नहीं दिया था, बट अब टाइम है कुछ दिखने का। उम्मीद है आने वाले एपिसोड में साशा बैंक्स बेले पर जबरदस्त अटैक करती हुई दिखाई देंगी और बेले को फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहेंगी और फिर बेले उसके बाद मार भी खाएंगी। अब जाहिर सी बात है, जब WWE किसी मैच को लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग दिखाती है तो वो मैच जब साइन होते हैं तभी मैच ऑफिशियल होता है, और बेले ने अभी तक साइन नहीं करे हैं तो इन दोनों के बीच मैच अभी ऑफिशियल नहीं है। अब आते हैं लार्ड सुलेवन पे। तो लास्ट वीक जेफ हार्डी के अगेंस्ट इन्होंने मैच लड़ा था, जिसमें लार्ड सुलेवन की जीत हुई थी और जेफ हार्डी रॉ पर ड्राफ्ट हो चुके हैं। वहीं जेफ हार्डी के खिलाफ मैच से पहले लार्ड्स ने आके काफी सारे सुपरस्टार को मारा था, जिसमें कलिस्तो और शॉर्टी जी भी शामिल थे। वैसे भी अभी जरूरत है लार्ड्स को किसी नए अपोनेंट की, जो कि शायद कलिस्तो हो सकते हैं। इन दोनों का इस एपिसोड में फेस ऑफ हो सकता है। अब अगर इन दोनों सुपरस्टार के बीच इस एपिसोड में मैच दिखता है तो जीत ऑब्वियसली बात है लार्ड सुलेवन की होगी, बट लार्ड सुलेवन कलिस्तो में अब बहुत मार देने वाले हैं। आई होप WWE लार्ड्स को बार बार किसी सुपरस्टार पर अटैक करते हुए ना दिखाए। कब से वही लार्ड्स के साथ होता दिख रहा है, जो कि काफी बोर लगता है। वहीं अब बात करें स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस स्ट्रीट प्रॉफिट्स की, तो रॉ में भी ये चैंपियन थे और यहां भी हैं, बस इनकी ब्रांड और टाइटल का कलर चेंज हो गया है। अब लास्ट एपिसोड में हमें डॉल्फ जिगलर, रॉबर्ट रूड, स्ट्रीट प्रॉफिट्स इन टीम्स के खिलाफ मैच देखने को मिला था, जो कि डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड हो गया था। अब इस एपिसोड में हो सकता है कि डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूड मिलकर स्ट्रीट प्रॉफिट्स पर अटैक कर सकते हैं। अब ये अटैक रिंग में या बैक स्टेज होता दिखाई दे सकता है। ऐसा करके WWE शायद इन दोनों टीम्स के बीच हेल इन अ सेल पीपीवी के लिए रीमैच सेट कर पाएगी। अब जितना जल्दी हो सके WWE को स्ट्रीट प्रॉफिट्स को टाइटल हरवाते हुए दिखाना चाहिए। कब से तो ये रॉ में चैंपियन थे और यहां भी हैं। ऐसा ही रहता है तो पहले से खत्म हो चुकी टैग टीम डिवीजन और खत्म हो लेगी। नेक्स्ट आते हैं बिगी पर। तो वो अब सोलो हो चुके हैं और अपनी टीम न्यू डे से अलग हो चुके हैं। हालांकि वो पहले भी अकेले ही लड़ रहे थे जब उनकी टीम के दोनों मेंबर इंजर्ड थे, बट ड्राफ्ट में ऑफिशियली वो अलग हो चुके हैं। अब उनकी फ्यूड शेमस के साथ दिखाई दे रही थी, जो कि ड्रॉ पर ड्राफ्ट हो चुके हैं। अब टाइम है बिगी को नई फ्यूड में डालने का, जो कि शायद किंग कॉर्बिन के साथ शुरू होती दिखाई दे सकती है। जाहिर सी बात है बिगी फेस के तौर पर दिखाई दे रहे हैं, तो उनकी फ्यूड किसी हील सुपरस्टार के खिलाफ ही शुरू होती दिखाई दे सकती है और वो किंग कॉर्बिन हो सकते हैं। वैसे भी किंग कॉर्बिन काफी टाइम से किसी के साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो WWE उन्हें बिगी के खिलाफ बुक कर सकती है आने वाले इस एपिसोड से। अब लास्ट वीक बैक स्टेज हमें ओटिस और सैमी जैन के बीच एक छोटा सा सेगमेंट दिखा था, जहां ओटिस ने सैमी जैन को धक्का दे दिया था, जिसके बाद सैमी जैन जमीन पर गिर पड़े थे, जिसके बाद ये चांसेस हैं कि WWE ओटिस और सैमी जैन के बीच फ्यूड शुरू करने वाली है। वैसे भी पिछले काफी टाइम से ओटिस मिज और मॉरिसन के साथ एवं फ्यूड में दिखाई दे रहे थे, जहां ओटिस कुछ खास नहीं दिखाई दे रहे थे। अब WWE को सोचना चाहिए, मनी इन द बैंक विनर ऐसी आलतू फालतू के काम करता दिखाई दे रहा है, जिस वजह से उम्मीद है कि WWE यहां इन दोनों की फ्यूड इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए शुरू कर देगी। अब हो सकता है कि WWE इन दोनों सुपरस्टार के बीच हेल इन अ सेल पीपीवी के लिए टाइटल मैच बुक कर दे, पर WWE को ऐसा नहीं करना चाहिए। फ्यूड तो इनके बीच कुछ दिखाई नहीं दी है और हेल इन अ सेल पीपीवी से पहले आखिरी स्मैकडाउन के एपिसोड में WWE इन दोनों सुपरस्टार के बीच कितना कुछ दिखा लेगी। वहीं लास्ट वीक सेथ रॉलिंस खुद डैनियल ब्रायन के सामने फेस ऑफ करने के लिए आए थे, जिसके बाद रे मिस्टीरियो और डोमिनिक भी वहां पहुंचे थे और उसके बाद मर्फी भी वहां देखने को मिले थे। पहले तो लगा कि सेथ रॉलिंस को वो सेव करने आए हैं, बट उल्टा उन्होंने सेथ रॉलिंस को मार के भगा दिया। अब जाहिर सी बात है कि WWE इन दोनों के बीच हेल इन अ सेल पीपीवी में मैच दिखाने वाली है, क्योंकि ये दोनों अब स्प्लिट हो चुके हैं और इनके बीच हमें काफी कुछ देखने को मिल चुका है। वहीं हो सकता है कि इस एपिसोड में सेथ रॉलिंस मर्फी पर अटैक करते हुए नजर आ जाएं और फिर उन्हें सेव करने डोमिनिक और रे मिस्टीरियो आए, या फिर आलिया मिस्टीरियो की भी यहाँ पे एंट्री होती दिखाई दे सकती है।
अब आते हैं रोमन रेंज और जे उसो पे। तो WWE ने इस एपिसोड के लिए रोमन रेंज का सेगमेंट अनाउंस कर दिया है, जहां वो हेल इन अ सेल मैच से पहले आखिरी बार जे उसो को मैसेज देते हुए नजर आएंगे और हेल इन अ सेल पीपीयू में दिखने वाले इनसाइड हेल इन अ सेल मैच के क्या परिणाम होंगे उनको वो बताएंगे। वहीं पहली बार ऐसा हो रहा है कि इनसाइड हेल इन अ सेल मैच में आई क्विट की स्टिपुलेशन ऐड हुई है। वहीं रोमन रेंज दावा कर रहे हैं कि ये WWE हिस्ट्री में किसी और मैच से सबसे बड़ा दावा होगा। अब जाहिर सी बात है, ये दोनों आमने सामने आएंगे तो इनके बीच कुछ ना कुछ बड़ा दिखेगा, जिसमें हो सकता है कि हेल इन अ सेल से पहले जे उसो रोमन रेंज को ढेर करके रिंग में खड़े दिखाई दें, जिसके लिए हम सभी काफी एक्साइटेड भी होंगे। तो ये सब कुछ दिखने वाला है स्मैकडाउन के एपिसोड में। आई होप कमाल का एपिसोड देखने को मिले, जिसे देखकर फैंस को मजा आ जाए पीपीवी से पहले। ये एपिसोड अच्छा होगा तो पीपीवी को देखने में भी मजा आएगा। वैसे आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यार व्यूज तो वैसे भी बहुत कम आते हैं, कम से कम लाइक में तो कंजूसी मत करा करो, दबा कर लाइक कर दो। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।